वेलकम ट्रेडर्स, एक नए शानदार वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम टोर्नाडो केस प्राइस यानी कि टोर्न के ऊपर रिव्यू लेकर आए हैं और आपको बताएंगे कि यार ये न्यू लेटेस्ट कॉइन आजकल ट्रेंडिंग में क्यों चल रहा है और इसके पीछे क्या रीज़न है और साथ ही क्या इसको बाय करना चाहिए या नहीं, ये किस पर्पज़ के लिए लॉन्च हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है और किस काम के लिए आता है। बेसिकली आपको मैं बता दूँ एक गुप्त सूचना कि यार ये जो टोर्नाडो केस है ना, ये कोई ना यार बहुत ज़्यादा एक यूनिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है जिसके लिए ये बना है ना, और इसी कारण से वर्तमान में काफ़ी अच्छी प्राइस पर ये पहुंचा है। मतलब लॉन्चिंग बहुत अच्छी प्राइस से हुई थी लेकिन अभी तो भले ही ये काफ़ी नीचे जा चुका है, तो उसके पीछे भी रीज़न हम तलाशने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो पर बने रहना एंड तक। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर टोर्नाडो केस की बात करें तो टॉर्न अभी 1350 रुपये के आसपास चल रहा है। सबसे पहले तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये किस पर्पज़ के इसकी लॉन्चिंग हुई है। वेबसाइट अभी इसकी ओपन नहीं हो रही है, मैंने दो एक बार वेबसाइट ओपन करने का प्रयास करा लेकिन अभी यहाँ पर कोई वेबसाइट नॉट रीजेबल यहाँ पर बता रही है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो टोर्नाडो केस है वो इथेरियम की एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है। क्या है इथेरियम की प्रॉब्लम, कि जब इथेरियम पर ट्रांजेक्शन होता है तो वो जो गोपनीयता होती है, जो सिक्योरिटी होती है, उसे ये और ज़्यादा पुख्ता करता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, यानी कि एक डिसेंट्रलाइज गोपनीयता समाधान देता है। यानी कि जो प्राप्त करता है कॉइन को और जो बेचने वाला है, उन दोनों के बीच में ऑन चेन लिंक को तोड़कर लेन देन को गोपनीयता में सुधार करता है। टोर्नाडो केस एक स्मार्ट अनुबंध का उपयोग करता है यहाँ पर, जो ETH और ERC20 जमा स्वीकार कर देता है। अब ये क्या है ये और किसी वीडियो में समझाएंगे। इन जमाओं को किसी भी ऑन चेन पते से निकाला जा सकता है और जब किसी संपत्ति को नए पते से निकाला जाता है तो निकासी को जमा से जोड़ने का कोई तरीका नहीं होता है, जिससे जो संपत्ति होती है ना उसकी गोपनीयता पूरी तरीके से सुनिश्चित हो जाती है। ठीक है, टोर्नाडो केस गोपनीयता प्राप्त करने के लिए एक टेक्निक यूज़ करता है जिसको कहते हैं ZK-SNARK, जो शून्य ज्ञान प्रमाण का उपयोग करता है। अब आप कहेंगे कि यार ये सब हमारे लिए किस काम आता है, लेकिन यार कभी भी किसी कॉइन को ख़रीदने से पहले उसका उद्देश्य पर्पस हमें पता होना चाहिए। जब कोई यूज़र करता किसी निकासी का निर्णय लेता है तो यूज़र करता को एक प्रमाण पत्र देना होता है और उसके पास स्मार्ट अनुबंध की जमा सूची में से एक अनुबंध का रहस्य होता है। तो इसी टेक्निक के हेल्प से ये सब हो जाता है और ईजिली वो यहाँ पर से टोकन का लेन देन कर देता है सुनिश्चित तरीके से। यानी कि आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ, तो अभी इसी कारण से इसकी लॉन्चिंग हुई है। यहाँ पर जो आपने देखा होगा, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था ERC20 टोकन के ऊपर, ये उसी का समकक्ष है और उसी का अंडर में काम करने वाला एक टोकन है। ठीक है, जो कि अपग्रेड और फिक्स पर मतदान के लिए किया गया था ERC20 टोकन, बस उसी का सिमिलर टोकन है ये। अभी 1350 चल रहा है लेकिन आप चौंक जाएंगे जब इसका ग्राफ आप देखेंगे, 1700 से 1300 आया आज 24 घंटे में, और अगर स्टार्टिंग देखें तो जुलाई के आसपास इसकी लॉन्चिंग हुई थी 15000 रुपये से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। उसके बाद ये एकदम ऊपर गया था क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत काफ़ी अच्छी थी, इस कारण से देखेंगे 29-30 हज़ार रुपये तक पहुंचा था। उसके बाद जैसे ही गिरा, क्योंकि यार ऑब्वियसली नया टोकन ही इतना प्राइस कैसे हाई जा सकता था। ठीक है, लोगों ने भरोसा किया लेकिन फिर बेचने लग गए प्रॉफिट ज़्यादा निकालने के चक्कर में। उन्होंने क्या प्रॉफिट निकालो, नया कॉइन है ऑब्वियसली गिरेगा, तो ऐसे में सब अपना पैसा निकालने लग चुके थे और इस कारण से खरीदने वाले कम आ गए, बेचने वाले ज़्यादा आ गए और इस कारण से पूरा मार्केट क्रैश हो गया। और आज देखेंगे तो पूरा 1300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये एक लंबी रेस का घोड़ा है, मैं आपको क्लियर कर दूँ कि बहुत आगे जाएगा और बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल के देगा आने वाले फ्यूचर में। अभी जब 29-30 तक पहुंच गया था और अभी 1300 में मिल रहा है, तो एक अच्छा मौका है आप लोगों को इसको बाय करने के लिए। दूसरी चीज़ मैं बता दूँ, इसका उद्देश्य बता दिया, कहाँ से इसे बाय कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक्सचेंज है, जैसे बाइनेंस पर लिस्टिंग हो गई है इसकी, Gate.io पर और पोलोनिक्स पर, और बाइनेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करा इसने क्योंकि यहीं से इसकी प्राइस तेज़ी से बूस्ट हुई थी। आप देखेंगे 66.84% और 26.70%, इसके बाद 5.59%, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो 90% से भी ऊपर अकेला स्टेक इसी के पास है।
ठीक है 95% से भी ऊपर मान सकते हैं। तो ऐसे में यार इसको बहुत ज़्यादा मतलब जंप मिला और इसी कारण से ये टोकन बहुत तेज़ी से बूस्ट हो गया। यहाँ पर आप जो टोर्नेडो कैश प्राइस है उसके आप देख सकते हैं प्राइस 24 घंटे में 419 रुपये गिरा है कॉइन, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम भी काफ़ी नीचे गिर चुका है और काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग वॉल्यूम इसने स्टार्टिंग में ही ले लिया है, जो कि किसी कॉइन के लिए पॉसिबल नहीं होता है। हालांकि इसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी हुई थी स्टार्टिंग में ही लॉन्च से पहले ही, जिससे लोगों को काफ़ी इंतज़ार था, विदेशों में तो काफ़ी इंतज़ार था इस कॉइन के बारे में। यहाँ पर मार्केट कैप भी आप देख सकते हैं, इस टाइप से इसका मार्केट कैप है यहाँ पर शो हो रहा है। नए कॉइन का इतनी जल्दी मार्केट कैप पॉसिबल नहीं कि कॉइन मार्केट कैप दिखाने लग जाए, लेकिन इसका दिखा रहा है। तो यही इसकी यूनिक चीज़ बताती है और इस कारण से कॉइन ऊपर गया था, लेकिन कुछ लोगों के स्वार्थ या हम कह सकते हैं लालच के चक्कर में ये कॉइन गिर गया है, लेकिन वापस कमबैक करेगा। और अभी थोड़ा बहुत आप इसमें इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, फ्यूचर में आपको एक बड़ा रिटर्न यहाँ से निकलने की उम्मीद में आपको क्लियर कह सकता हूँ। तो आई होप टोर्नेडो केस के बारे में आपने फुल इन्फॉर्मेशन ली होगी। आप चाहे तो इसका सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर वगैरह फॉलो कर सकते हैं, जिससे एक्स्ट्रा न्यूज आपको अप टू डेट आपको वहीं पर मिल जाया करेगी। तो यही थी यार इस कॉइन के बारे में, साथ ही क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड और खबरों के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।